वेलकम एवरीवन दोस्तों, फ्रेश गवर्नमेंट जॉब्स 2022 आउट हो गई हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसीज इसमें रहेंगी। जो 12th पास जॉब्स हैं दोस्तों, इसमें कोई भी 12th पास जो कैंडिडेट है वो उसको अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें हर एक स्टेट यूटी की पोस्टें हैं, अलग अलग हैं, जिसपे आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, EWS की, SC ST OBC की। तो इसमें अगर हम बात करें तो तकरीबन इसमें 1150 के पोस्टें हैं। दोस्तों, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स नोटिस, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल 2021 इन CISSF, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 29 जनवरी से स्टार्ट था और इसको 4 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। क्लोजिंग डेट की अगर बात करें तो 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाइड की जा रही है मेल इंडियन सिटीजन से, जिसमें कांस्टेबल फायर जो है उनके लिए जॉब पोस्टें हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स में। तो पे लेवल इनका 3 रहेगा, जिसमें आपको 21,700 से लेकर 69,100 पे स्केल रहेगा। तो इसके अलावा इनका कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी रहेगी, डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, जिसको हम नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं, NPS रहेगा। इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा और रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा जो MR या कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एप्लीकेशन जो भी एक्सेप्ट की जाएंगी वो ऑनलाइन ही होंगी। तो दोस्तों, इसमें आपका जो पे स्केल है वो भी मैंने बता दिया। अब इसका जो पोस्टें रहती हैं, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ पे भी पोस्टें हैं, इसमें हमारे जनरल की भी पोस्टें हैं, SC ST की सभी की पोस्टें हैं। तो तकरीबन जो है 1149 पोस्टें आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो आगे प्रोसेस रहने वाली है, SC ST OBC EWS सभी के लिए लक्ष्य इसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th क्लास पास जो है बोर्ड में होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 23 रखी गई है। और ये एज रखी गई है 4 मार्च 2022 को निर्धारित की जाएगी एज, ठीक है। और जन्म जो है 5 मार्च 1999 से लेके 4 मार्च 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए। इसके अलावा SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, मीन्स कि उनका 5 साल उनको और दी जाते हैं कि अगर उनकी 23 और 5 कितने 28 साल वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो OBC वाले 3 साल का, एक्स सर्विस मैन भी 3 साल का रिडक्शन किया गया है। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके अलावा और भी कैंडिडेट है जिनको रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर वैली, JNK और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर रखी गई है। तो दोस्तों, अकॉर्डिंगली वेट और मेडिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है, टैटू नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दो। दोस्तों, इसकी जो PDF है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।